फैरपुर नाथनशाह की आखिरी डिफेंस लाइन खुदावा टुटण का शहर बुड़ी वो पानी बाजारों सरकारी ऑफिसों पाड़न घर में दाखिल गैर रेल स्टेशन नैताल के अस्पताल पानी हेठ अची व्या शहर में चार फुट का मथे पानी बीजी वो बिजली और गैस की फरहमी मुकम्मल तौर से बंद की वही शहर खाली थी वो शहर न छड़ींदड़ मानू बेहिसी जो शिकार बनजी बेयारो मददगार वेठल साहिद ताजा मुंतज जोही में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भरसा न्यू सिटी कॉलेज में बोर्ड जो पानी दाखिल न्यू सिटी कॉलेज जा कच्चा घर डही पट पे वा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जानवर की अस्पताल में भी पानी दाखिल थी वो पानी जोही गोरख बायपास भान जोही रोड के भी फोड़े छोड़ो जोही जो जिले हेडक्वार्टर दादू सा जमीनी राबतों कटी वो बोर्ड के पानी सबब समय गोठ बुड़ी वा जोही दादू रोड से बेड़ी सर्विस शुरू कई वही पानी जोही शहर के दिनल रिंग बंद से टिन तरफन का टकराई वही एफ पी बचा बंद सप्रियो बंद एम एन बी ड्रेन के लगल घारन जो पानी मेहर शहर के बचा बंद ठायल रंग बंद से टकराई वो शहरी जो बंद बिना कमजोर हिस्सा मजबूत करण जो कम जारी रिंग बंद ता पानी जो दबाव घटाने लिए भट्टी रोड के बिन हंधन ता कट दिनों वो पानी कोलाची वट इंडस हाईवे के बोड़े छोड़ो मोटरवे पुलिस लाड़काने का कराची ईंदड़ बींदड़ ट्रैफिक बंद कर छड़ी हजारे मुतासर के महफूज हंधन ता मुंतकली दुखियाई जो शिकार ककड़ भरसा एम एन वी ड्रेन छंडन के कट दियण वारन अफवान से हजारे शहरी ए गोठाना रोड से निकरी आया एहतजाज इंडस हाईवे रोड मुकम्मल तौर बंद दादू जिले इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी एम एन डी एम एस ड्रेन के ककड़ तरफ कें सूरत में गैरकानूनी कट दियण न डिनो वो एहतजाज मंछर के कट दियण बाबत फैसलो अज कबो वो वजीर सैयद मुराद अली शाह सेवण पहुंची वो मंछर बाबत आबपाशी पाक फौज के अख्तियारन समेत मुख्तलिफ इदार के अमलदार अहम इजलास की सदारत कंदो इजलास में मंछर के कट दियण बाबत अहम फैसलो किया वजीर आजम केपी ले 10 अरब रुपये की ग्रांट जो ऐलान कर छो वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहे तो फौज सूबाई हुकूमत से गड़ी मुतासर की बहाली ले कम कर रही है सिंध बलोचिस्तान में फसल तबाह काजू मां मानू के बसों जरिए कढ़ पे वे फौज मानू की मदद कर रही है मानून के रेस्क्यू करण के फौज जहा थोड़ा वजीर आजम शहबाज शरीफ के काजू में बोर्ड की सूरत हाल से ब्रीफिंग डी परदेही मामलन वाले वजीर आई पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत हेठ सखर हवाई अड्डे से डोनर एजेंसी के अमलदार ने सफीर जो इजलास वे वजीर मुराद अली शाह वफाकी वजीर खुर्शीद अहमद शाह डी जी एफ एम एम ओ आफ्ताब चौधरी मुख्तलिफ मुल्क सिफारतकार गडियल कौमन बेन इदार नुमाइंदार शरीक इजलास में गालाइंदे बिलावल भुट्टो जरदारी है तो बरसातों सबब पूरा पाकिस्तान बुरी रीत मुतासिर थो गुटू और सखर बेराज में मथा दर्जे की बोर्ड सबब ड्रेनेज जो सिस्टम कम न पो करे कच्चा तोड़े पक्का घर बुड़ी व्या मानू बेघर थे 3,35,000 मिलियन जा फसल तबाह थी व्या सूबे में रोड नेटवर्क खत्म किया वो है तामीर ले 860 मिलियन रुपया खर्च थींदा ज़रात रोड नेटवर्क मानू जो रोजगार बहाल करनो है ज़रात बहाल करण ले ज़रई मशीनरी की जरूरत तो मने पानी जा गुजरगा मौजूद ना शाखों की सतह वधाई आ है कोशिश करूं पा तो पानी के वहकरे सबब नुकसान न थे इतला से सूबे वजीर शर्जील इनाम मेमन है तो जोही केन शाह सईदाबाद नौशरो फेरोज की हालत खराब है इन वक्त सजो पाकिस्तान एक आवाज है पाक फौज और नेवी भी मदद में रुधल है मुल्क में एक पार्टी जो टारगेट मुल्क आवाम है जेका शर्म जड़ी गाल है
मौसमियात खाते सिंध बलोचिस्तान में बरसातों की अग कठी कर छी। बरसात जो नव सिस्टम सिंध के सामुंडी पट्टी वन इलाकन से 14 या 15 सेप्टेम्बर से असरअंदाज थी सके थो। बरसातों जो जोर जुलाई अगस्त जड़ो न हों। नेपरा बिजली 4 रुपया 24 पैसा महंगी करण की मंजूरी दे छी। नेपरा इख्तियारी चवना है तो जुलाई महीने लिए फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट 5 रुपया घट किया है। जुलाई में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की असल लागत 10 रुपया 98 पैसा हुई। जुलाई में रेफरेंस फ्यूल लागत 4 रुपया 69 पैसा थे थी। सिस्टम में खराबी सबब 46 करोड़ का वधीक जो नुकसान थो है। पाकिस्तान में चैन हुकूमतन के कंट्रोल करने वाली पार्टी हरकत का न पई मुड़े। आईएमएफ जो रिलीफ शरणाई बजायण वो न पर आर्जी है। हुकूमत पाकिस्तान के श्रीलंका बंजन का बचाने की कोशिश कर रही हुई। वफाकी वजीर साद रफीक है तो पीटीआई के मेंबर आईएमएफ से मुआहदों खराब कराने में रुदल हुआ। भारत सागी कोशिश में रुदल हो। शोकत तरीन में उम्मीद न हुई तो इं कह हुकूमत रियासी इदारा सब रेस्क्यू ऑपरेशन में रुदल है। रिलीफ जो ईंदड़ मरहलो मुतासर की बहाली जो है। बरसातों बोडन सबब फसल तबाह थे। मवासलाती निजाम धरम भरम थो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट इमरान खान के तोहीन अदालत केस में बीहर जवाब दाखिल कराने लिए 7 दिन की मोहलत दे छी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला की सरबराई में लार्जर बेंच केस की बुधनी कई। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला इमरान खान के मुखातिब थे रिमार्क दिना तो उन जो जवाब जमा कराया है वो इमरान खान जड़े लीडर के रुतबे मुताबिक ना है। इमरान खान की लिखत वाले जवाब से खेस तमाम घो अफसोस थो। सेशन कोर्ट आम मानू की अदालत है खेस पैं उत वन घुर्जे। हाँ पर उन जज खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो चयो। चीफ जस्टिस जी गुजरियल वक्त वापस ना वरी सो तीन जबान में चल गाल भी वापस ना थी।